पौष पूर्णिमा का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष माह को भगवान सूर्य देव का महीना माना जाता है। इस माह में विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा के दिन किए गए दान का कई गुना होकर साधक को प्राप्त होता है। धार्मिक मत है कि पौष पूर्णिमा पर किसी भी पवित्र नदी गंगा नर्मदा में स्नान करके विधिवत पूजन करके जगत पालन हार भगवान विष्णु धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजन करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दुखों से छुटकारा मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस साल 2024 की यह पहली पूर्णिमा है जो कि 25 जनवरी के दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। आगामी 25 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन पौष की पूर्णिमा होने जा रही है और एक विशेष संयोग उसके साथ यह है कि सुबह 8 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र भी इसमें लग जाएगा और उस दिन दिनभर सिद्धि योग भी रहेगा। तो यह पौष की पूर्णिमा गुरु पुष्य के संयोग और सिद्धि योग के साथ पड़ने जा रही है, तो एक धन प्राप्ति के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए एक अद्भुत योग इसमें बन रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि विशेष तौर पर प्रातः काल सूर्योदय के पहले यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करके अपने शरीर को अपने मन को पवित्र करें और नदी में स्नान करने के पश्चात हम जो हैं यथासंभव ब्राह्मणों को दान पुण्य करें और गरीबों की भी अन्न दान इत्यादि के द्वारा सहायता करें। तत्पश्चात पौष की पूर्णिमा के दिन हमको भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन जप अनुष्ठान हवन इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, धन धान्य सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें और भगवान का पूजन करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें, गुरु सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमो नारायणाय, ये भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है। भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का हमको उस दिन जप करना चाहिए। इन मंत्रों के द्वारा हमको हवन भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवती लक्ष्मी की जो गायत्री है, भगवान जो नारायण की गायत्री है, उन गायत्री का भी जप करें। इन सभी प्रकार का जप करके इन सभी से हमको हवन करना चाहिए और यह संपूर्ण जो प्रक्रिया है जो बताई गई है अपने गुरु के सानिध्य में गुरु के बताए गए मार्ग पर चल करके या किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी।